कि इंसान सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करता है और सबसे ज्यादा एंजॉय बगैर कपड़ों के। तू समझा? प्यारी समझ गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। बुलाएंगी ना तब भी नहीं आऊंगी मैं। रुको मीनू, बोले इस बात पर ना कायम रहना। दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। अरे वाह, आज मेरी बीबी खाना बना रही है। तुमने पिज्जा मंगाया है? तो फिर खाना क्यों बना रही हो? अरे वो रात के 10 बज गए थे ना। तो अरे मुझे शिमला मिर्ची चाहिए थी और इस वक्त वो कहाँ मिलती, इसलिए मैंने पिज्जा मंगा लिया ताकि उसमें की शिमला मिर्च मैं अभी यूज कर सकूं। वैसे खाने में क्या बना रही हो? पिज्जा। जो पिज्जा आया था वही तो मैंने देखा। मैंने यही सोचा कि मैंने कहा कि कंपनी इतनी प्यारी है तो प्रोडक्ट कितनी प्यारी हो। वैसे आपकी कंपनी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, सही पकड़े हैं, इसीलिए प्रोडक्ट भी बहुत सड़ा हुआ निकला है। दुनिया का सबसे ज्यादा संतुष्ट आदमी वो है जो गंजा है। कैसे? कैसे ना, तो उसकी कोई मांग होती है। अच्छा, ना ही उसका कोई बाल वाका कर सकता। पत्नी बहुत प्यारी चीज है यार, तुम उसकी 100 सुनोगे ना फिर भी तुम्हारी एक नहीं सुनने की। Men. Yes, men. पापा, मैं जानता हूँ घर पे पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसके लिए प्लीज मेरा वाटर पार्क कैंसिल मत कर। मतलब ही बाप का मतलब ही बच्चा। आप लोग अंग्रेजी सही है। यस। एग्जाम खत्म हो गया, कितनी खुश है? एग्जाम खत्म हो गया, बहुत खुश है। क्या करिया घर जाके ये बताइए? पता नहीं, पहले तो खाना खाएंगे, बहुत भूख लगा है। चल छुट्टी। मतलब ऐसा होता है ना कि जब मैट्रिक का एग्जाम पड़ता है तो बहुत टेंशन होता है, आज तो टेंशन खत्म हो गया। हाँ, अभी कुछ तो ऐसा कीजिए कि मन एकदम रिलैक्स हो जाए। इंस्टाग्राम चलाना है। किससे मन रिलैक्स होता है? अरे कम से कम सोना बोल देती, सोना है तो समझ में आता कि हाँ भाई। नाम क्या? मैडम टीटू है मेरा नाम। अच्छा, तो आप कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं? मैडम पढ़ी लिखी होनी चाहिए और संस्कारी होनी चाहिए, माँ बाप का ख्याल रखे, और क्या चाहिए? और लड़की में क्या क्या गुण होने चाहिए? का दादा का भाभी जो बताया वो क्या का बदला लेगा तेरा फैजर। अरे मैडम आपको कैसा लड़का पसंद है? मेरे को तो भाई ऐसा पसंद है जो मेरे आगे पीछे डोले, जो मेरी सेवा करे, मतलब चाय पानी दे, सब कुछ, मेरे को कुछ ना करना पड़े। हाँ तो मेरे घर पे आ जाना, मेरे नौकर के अंदर ही सारे गुण है। गजब बेइज्जती है। अरे मैं क्या सोच रही थी, अपने पुराने कपड़े गरीबों में दान दे दूं क्या? एक काम कर, फेंक दे इनको, क्या तंग करना किसी को। क्यों, दुनिया में इतनी गरीब औरतें हैं, भूखी प्यासी औरतें हैं, उनके काम ही आ जाएंगे ना। तेरे साइज के कपड़े जिन औरतों को आएंगे तो लगता है भूखी प्यासी होंगी वो। अब देख तू गया बेटा, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, ठीक है गाइस, सबको समझ आ गया? यस सर। यार एक सेकेंड, ये ना सर सर मत बोला करो यार, हजार बार समझाया यार, ये कॉर्पोरेट है यार, यहाँ पे ये सब नहीं चलता, थोड़ा फ्रेंडली काम करो। ओके ओके सर, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और वेंचू चले गए सुट्टा मारने। फ्रेंडली इनके लिए फ्रेंडली ये है। इधर आएंगे, ये जो मिठाइयाँ बिक रही हैं अनहाइजीनिक तरीके से बेची जा रही हैं, कोई ग्लव्स का इंतजाम नहीं है, पसीना आ रहा है, उसी हाथों से पोंछ रहे हैं, उसी हाथों से मिठाइयाँ दे रहे हैं और मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, ऐसी मिठाइयों को खा के लोग बीमार पड़ते हैं, तो ऐसी मिठाइयों के बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? ओसड़ी की मेरी दुकान है।
तेरी दुकान की सच्चाई बता रहा है वो। रो मत बेटा, ससुराल उसी उसी जाए हैं। जी सच कहे पापा, हम तो मौसी के कहने पर रो रहे थे। सात तारीख को रोज डे, आठ तारीख को प्रपोज डे, नौ तारीख को चॉकलेट डे, दस तारीख को टेडी डे, ग्यारह तारीख को प्रॉमिस डे। चैन से जीने दे, ये दिन भी है कि नहीं तेरे लिस्ट में? हैं? अरे पहले तू मुझे चैन से सोने तो दे, पहले तू मुझे करियर पे ध्यान तो देने दे, ताकि तेरे घर वाले मुझे तुझे ब्याह करने दे। और जाके सबसे पहले ना अपने शरीर पे ध्यान दे, जाके खाना खा, माथा मत खा। दे दे गजब बेइज्जती है। बेइज्जती नहीं, गाइस प्यार में ना बहुत ताकत होती है। कॉलेज में था मैं जब इनसे मिला, फिर मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो पढ़ाई करके करियर पे फोकस करूं, या प्यार करके घर बसा लूं। और मैंने इनसे बोल दिया मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मैं जिंदगी भर प्यार से निकाल लूंगी इनके साथ। आज आप देख ही रहे हो हम कहां पर हैं, सड़क पे रेडी लगा रहे हैं। सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, करियर भी बनाना पड़ता है।